हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं कविता मेहरा आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। तो आज मैं आई हूँ अपनी पड़ोसन के घर। उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, पता है किस लिए? यस, कढ़ी बनाना सीखने के लिए। उन्हें मेरे हाथ की कढ़ी बहुत पसंद आती है। तो चलिए, इनके घर आ गए, हम छत पे पहुंच गए हैं, कढ़ी हम बना चुके हैं। हम अब तैयारी कर रहे हैं बाजरे की खिचड़ी की। तो बाजरे की खिचड़ी बनाने वाले हैं, हम बनाएंगे तो ये, लेकिन सीख मैं भी रही हूँ एक तरह से। तो इन्होंने, चलिए, छत पे चूल्हा जलाया हुआ है और चूल्हा जलाने के साथ साथ इस पे इन्होंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। और ये जो बाजरा है हमारा, ये देखिए, ये कितनी एफर्ट के साथ इसे कूट रही हैं। इसके ऊपर एक बाजरे पे एक कवर होता है जिसको देहाती भाषा में खोल भी कहते हैं। तो उस खोल को कूटने के सहारे उतर कूटेंगे, उसके जरिए खोल उतर जाएगा और हमारा बाजरे की खिचड़ी बनने के लिए बाजरा तैयार हो जाएगा। ये देखिए, आज हम खाने वाले हैं बाजरे की खिचड़ी। टेस्टी। मैं पहले ही बहुत बार खा चुकी हूँ, लेकिन आज बन रहे हैं। पहले इन्होंने कूटा है, फिर कूटने के बाद छाना है। छानने के बाद इसको थोड़ा सा, इसके ऊपर कुछ खोल वगैरह सा होता है, उसको हटाएंगे। और फिर उसके बाद ये पानी देखिए हमने उबलने चढ़ाया हुआ है, ये इस पानी में डालेंगे और इसके बाद इसको रेडी करेंगे। कम से कम 2 घंटे चाहिए इसे उबलने के लिए, पकने के लिए। तो 2 घंटे वेट करते हैं हम लोग। चलिए, मैं आ गई हूँ वापस से अपने घर। 1 बज चुका है। दाल दिन के खाने के लिए मैं लंच तैयार कर रही हूँ। तो आज हमारा दिन का मेन्यू है दाल चावल। उसके लिए मैंने चना, उड़द और राजमा की दाल को उबाल लिया है। और उबालने के बाद उसको छौंका देने के लिए मैंने लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर, इन सबको भून लिया है। भूनने के बाद मैंने इसके अंदर हल्दी, धनिया, लाल मिर्च ऐड किया है और मसाला मेरा अच्छे से भुन चुका है। तो मेरी दाल भी बिल्कुल अच्छी तरह उबल चुकी है। इसके अंदर मैं ये छौंका ऐड कर दूँगी। तो छौंका हमारा ऐड हो चुका है और छौंके ऐड होने के बाद मैं इसमें धनिया ऐड कर रही हूँ। धनिया डाल चुकी हूँ दाल में। दाल बनके तैयार है। तो मैं अब तैयार कर लेती हूँ चावल। चावल के लिए मैं छील रही हूँ मटर। तो मटर मैं सारे ही छील के रख लेती हूँ क्योंकि अभी इतनी खासकर भूख नहीं है। मटर वाले चावल मैंने बना लिए हैं और उसमें एक सीटी आना बाकी है, तो वेट करते हैं तब तक। मैंने उससे पहले खाना खाने की तैयारी कर ली है। मटर वाले चावल हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। अब लग रही है ज़ोर से भूख, तो हरमन बैठे हैं खाना खाने के लिए। मैं खाना डाल के लेके जा रही हूँ क्योंकि लगी है जोरों की भूख। तो अब हम करते हैं लंच। इतनी ठंड है कि बिस्तर से निकलने का दिल नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है इसी के अंदर बैठे रहो। और मैं उसी की तैयारी करने चलती हूँ, लेकिन मेरा रियली बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं इस कंबल से निकलूँ और कहीं जाऊँ, लेकिन निकलना तो पड़ेगा। टाइम 6 बज चुके हैं और खाना बनाना पड़ेगा, देर हो गई बहुत। तो चलिए देखते हैं अरमन के डैडी ने किचन में क्या तबाही मचा रखी है। इन दोनों ने कुछ अरेंज किया है।
मैं तो सो रही थी किचन में, इन्होंने कुछ खाना बना अपने लिए बनाया है कुछ। साइड में ही मेरी गाजर भी छिल के काट के रख दी गई है, और गैस पे एक तरफ चार बॉईल एग करने के लिए रखे हैं। इन्हें बहुत पसंद है एग खाना, तो मैं कर रही हूँ तैयारी। मैं बना रही हूँ सब्जी, गाजर मटर आलू। उसके लिए मैंने गैस पे चढ़ा दिया है कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर प्याज काट के डाल दिए हैं और हरी मिर्चें भी साथ साथ भून ली हैं। इसके बाद टमाटोस ऐड किए, इनको भी अच्छे से भून लिया है पहले ही। उसके बाद मैंने ये वेजिस ऐड करी हैं दोबारा से इसमें, तो ये सारी वेजिस मैं एक साथ इसमें ऐड कर दूँगी और थोड़ी देर ढक के पकने देंगे इसको। उसके बाद मैंने इसके अंदर हल्दी, धनिया, लाल मिर्च ऐड किया और 90% ये सब्जी पक चुकी है। इसके बाद मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड करूँगी, तो ये गरम मसाला भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और ये चटपटी सी स्वादिष्ट गाजर मटर मिक्स वेज सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। डिनर कर चुके थे, उसके बाद में मैंने किचन की सफाई कर दी और सारा काम ख़त्म कर दिया। फिर सुबह इन्हें जल्दी जाना था, तो मैंने एक तरफ दूध बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है और मेरा सारा काम किचन का रात का ख़त्म हो चुका है। तो मैं अब थोड़ी तैयारी कर लेती हूँ सुबह की। सुबह के लिए मैं बनाने वाली हूँ सेम की फली और आलू, तो ये भी मैंने काट के रख लिए हैं सुबह के लिए। तो गाइस, अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइस।